नमस्कार, मैं डॉक्टर नागेश शुक्ला, मैं सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। और जैसा कि आजकल एटमॉस्फेयर चल रहा है, इसमें COVID-19 वायरस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, तो मैं आज आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि हम कैसे अपने 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 आप को या अपने शरीर को प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि इन केस अगर हम उस वायरस से इन्फेक्ट हो जाएं तो हमारा शरीर कैसे उससे फाइट करेगा। उसके लिए मैं कुछ आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगा, क्योंकि COVID-19 में देखा यह गया है कि आदमी को मैक्सिमम सांस लेने में तकलीफ होती है और चेस्ट से रिलेटेड रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सांस की होती है। तो हमें अपने सांस की जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करके रखना होगा, उनको स्ट्रेंथन करके रखना होगा। तो बहुत ही अच्छी, हमारे पुराने योगा में अगर देखा जाए तो दो प्राणायाम दिए गए हैं, भस्त्रिका प्राणायाम है और एक कपालभाति है और एक आपका अनुलोम विलोम है। तो मैं सिर्फ दो लेना चाहूँगा, इसको हम लोग डीप ब्रीदिंग भी कह सकते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड डीप ब्रीदिंग। पूरी सांस को अंदर इनहेल करना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड्स, और फिर उसको थ्रू द माउथ एक्सहेल करना है, जस्ट लाइक दैट, एंड रिपीटेड फॉर 25 to 30 times एटलीस्ट। इससे आपकी वाइटल कैपेसिटी, जो लंग्स में ऑक्सीजन भरने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, और हमारी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, हमारा जो डायफ्राम है वो एक्टिवेट रहेगा, उसमें स्ट्रेंथनिंग रहेगी। नेक्स्ट है जिसको हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। इसकी अपनी एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थिति है। एक नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और प्रॉपरली डीप ब्रीथ करेंगे एक नॉस्ट्रल से, अगेन दूसरे नॉस्ट्रल से निकालेंगे। एक्सहेल एक नॉस्ट्रल के थ्रू होगा और आउट जो है वो दूसरे नॉस्ट्रल से, और इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे जस्ट लाइक दैट। इसको भी हम लोग 25 to 30 times दिन में 2 बार कर लें। आजकल खाली है, ज्यादा कोई काम नहीं है, हम लोग बेसिकली ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें जिससे हमारी जो रेस्पिरेशन की मसल्स हैं वो एक्टिवेटेड रहे। फिर अपर स्पाइन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि रेस्पिरेशन का रिलेशन जो है वो अपर स्पाइन से ज़्यादा है। तो हम लोग एक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, दोनों हाथों को हमने ऐसे रखा, ऊपर लेके गए और फुल उसको स्ट्रेच कर, हमने उसको फुल स्ट्रेच किया, होल्ड किया, होल्ड फॉर 5 to 10 seconds, नाउ रिलीज एंड कम बैक डाउन, डू इट अगेन। 5 to 10 repetitions इसके होने चाहिए। स्ट्रेच किया, होल्ड किया एंड कम बैक डाउन, ये एक स्ट्रेच हो गया है। फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे अपर स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग के लिए स्नेक पोज जिसको बोलते हैं हम लोग। दोनों हाथों को ऐसे रखा, पूरे अपर स्पाइन को ऊपर स्ट्रेच किया, होल्ड किया एंड कम बैक डाउन, फिर से ऊपर गए, स्ट्रेच किया, होल्ड किया 10 seconds और कम बैक डाउन। इसी में थर्ड एक्सरसाइज है, दोनों हाथों को स्ट्रेट कर लिया और अब हमने इसको लिफ्ट किया, लिफ्ट करके होल्ड कर लिया, कम बैक डाउन, फिर से लिफ्ट किया, कम बैक डाउन। ये तीनों स्ट्रेच और एक्सरसाइज से बैक की स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी,
आपकी जो अपर रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, सारी की सारी मसल्स अगर स्ट्रेच रहेंगी तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी रहेगी। तो आजकल जब आप खाली हैं, लॉकडाउन में घर पे हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये एक्सरसाइजेस करिए। दीज एक्सरसाइजेस डेफिनेटली विल हेल्प यू, और आगे मेरे और वीडियोस आते रहेंगे जो आपको और भी चीज़ें गाइड करेंगे। कोशिश करिए जितना रिलैक्स रहिए, हल्के कपड़े पहनिए, स्मूथ रखिए अपने आप को, और जितनी भी WHO की गाइडलाइंस उनको फॉलो। नमस्कार।